आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए अभी अच्छा खासा समय बचा हुआ है और आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से दो काफ़ी बड़े अपडेट बाहर निकल कर आ रहे हैं, या फिर कह लें दो बहुत बड़ी न्यूज़ एमआई की टीम की ओर से बाहर निकल कर आ रही है मिनी ऑक्शन से पहले। तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की, या फिर कह ले पहले बड़ी न्यूज़ की जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रही है मिनी ऑक्शन से पहले। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के पर्स बैलेंस की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम हमें अच्छा खासा पर्स बैलेंस लेकर जाते हुए देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम हमें 30 से 35 करोड़ के बीच में अपना पर्स बैलेंस लेकर जाते हुए दिख सकती है आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में। जी हाँ दोस्तों, एमआई की टीम अपनी टीम से काफी सारे बिग टिकट प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है और इसके चलते हुए हमें मुंबई इंडियंस की टीम का पर्स बैलेंस काफी बढ़ते हुए दिखने वाला है। और एमआई की टीम हमें 30 से 35 करोड़ रुपए इजीली लेके जाते हुए आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में नजर आने वाली है। वैसे आपके अकॉर्डिंग एमआई की टीम को आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए और कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम में डेफिनेटली इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे और आखिरी बड़े अपडेट की जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के ट्रेड प्लेयर्स की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले अभी ट्रेड विंडो खुली हुई है और आईपीएल की किसी भी टीम ने अभी तक ट्रेड नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले हमें काफी सारे ट्रेड होते हुए दिखने वाले हैं। हालांकि हमें आखिर में ट्रेड होते हुए दिखने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से एक नाम निकल कर आ रहा है जिसे एमआई की टीम हमें आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल करते हुए देख सकती है। अगर दोस्तों उस खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है नीतीश राणा। जी हाँ दोस्तों, नीतीश राणा आईपीएल का एक सीजन एमआई की टीम की ओर से खेल चुके हैं और उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन नीतीश राणा ने एमआई की टीम की ओर से भी किया था। लेकिन अब ये केकेआर की टीम से पिछले कुछ सालों से खेल रहे हैं और केकेआर की टीम को ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है कि एमआई की टीम ने नीतीश राणा की ट्रेड के लिए प्रपोजल दिया है, या फिर कल नीतीश राणा को प्रपोजल दिया है। तो ट्रेड हमें होते हुए देख सकते हैं ट्रेड विंडो में। अगर एमआई की टीम इस पर अगर जोर देती है कि नीतीश राणा एमआई की टीम की ओर से खेलेंगे फ्यूचर में, तो जरूर से हमें ट्रेड होते हुए दिखने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को नीतीश राणा को ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और नीतीश राणा के अलावा और कौन से खिलाड़ी को ट्रेड करना चाहिए, तो आप अपने कमेंट जरूर करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।